हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो में मैं 8 से 9-10 महीने तक की मैंने यूज़ किया हुआ है MI Box 4K का। मैं इस वीडियो में मैं कंप्लीट ओवरव्यू अपना रिव्यू 8-10 महीने का अपने ये वीडियो में मैं रखने जा रहा हूँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करें। तो भाई लोग, सबसे पहले आप साइड में जो है अनबॉक्सिंग मेरा 9-10 महीने पुराना अनबॉक्सिंग वीडियो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं। ये जो MI Box 4K है उसमें आपको 2GB रैम मिल जाएगी। 2GB रैम आपको काम नहीं आएगी, इसमें मिनिमम 4GB रैम इसमें आपको चाहिए। मिनिमम 4GB रैम, 2GB रैम इसमें आपको काम नहीं आएगी। और वगैरह आप कॉमन से ऐप आपको यूज़ करने है, कॉमन सी एक लो ग्राफिक गेम खेलनी है तो उसमें भाई ये काम कर जाता है। बट मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है टीवी में कनेक्ट करके या कोई भी एक नया अभी लेटेस्ट वाला ऐप आया है वो ज़्यादा रैम लेता है तो वो इसमें आपको चलाने में परेशानी होने वाली है। तो मेन बात तो आती है, सबसे पहले तो वीडियो परफॉर्मेंस की मैं बात करूँगा। इसमें 4K 60fps HDR वीडियो आसानी से इसमें प्ले होता है। YouTube पे चला लीजिए, Netflix पे चला लीजिए, Amazon Prime के वीडियो में उसमें चला लीजिए या कोई भी वीडियो सर्विस में चला लीजिए, इसमें मक्खन की तरह चलने वाला है वीडियो। और ऑडियो की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ऑडियो का जैक मिल जाता है, यह स्टीरियो जैक है ऑडियो का। तो अगर आप होम थिएटर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्टीरियो भी कनेक्ट कर सकते हैं और ऑप्टिकल से आप इसमें से आउटपुट निकाल सकते हैं 5.1 चैनल के। बट उसमें आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसमें ऑप्टिकल टू भाई RCA वगैरह वगैरह भाई आपको ढेर सारा कन्वर्टर वगैरह आपको इसमें लगाना पड़ेगा तो ही आप इसमें 5.1 चैनल सुन सकते हैं। और रिफ्रेश रेट की बारे में बात करते हैं तो भाई ये कोई गेमिंग कंसोल तो है नहीं कि रिफ्रेश रेट का हम ज़्यादा कुछ सोचे, बट मैक्सिमम इसमें 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट जो है इसमें आपको मिल जाएगा HDMI पोर्ट के थ्रू। और उसके बाजू में आप यहाँ पे देख सकते हैं USB पोर्ट है। USB पोर्ट आप कोई भी पेन ड्राइव आपको कनेक्ट करनी है कोई भी तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको अंदर का स्टोरेज बढ़ाना है, आपको अंदर ज़्यादा एप्स डालने हैं तो ये USB पोर्ट आपको कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें पेन ड्राइव में आप एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी 64GB का जो पेन ड्राइव आता है वो मैं इसको यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छा सा वर्क करता है। आप उसमें एप्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा चिपकने का प्रॉब्लम आपको रहेगा हैंग होने का, क्योंकि भाई 2GB रैम में भाई आप कितना आप निकाल लोगे इसमें से। और भाई यहाँ पे एक पोर्ट आता है भाई वो एडाप्टर पावर का। और एंड्रॉइड सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, ये यहाँ पे एंड्रॉइड इसमें आपको मिल जाएगा। बट मेरे ख्याल से अभी 2GB रैम है, अभी रैम तो आप अपग्रेड कर नहीं सकते। अपग्रेड कर सकते हैं बहुत ही हाईटेक लेवल वाला जुगाड़ लगाना पड़ेगा तो ही 2GB से 4GB रैम आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। और नया वर्जन भी अभी आगे आने वाला है, उसमें 4GB आई थिंक उसमें मिलेगा तो भाई बड़ा मज़ा आएगा। और अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट के बारे में बात करते हैं तो भाई अभी तो ये आउटडेटेड धीरे धीरे होने लगा है। तो काम चल रहा है, यूट्यूब अगर आपको देखना है, कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, होम वीडियो आपने उतारा है तो भाई वो पेन ड्राइव कनेक्ट करके आपको देखना है तो भाई उसमें ये एकदम मक्खन तरीके से काम करने वाला है। 4000 रुपये में मैंने इसको परचेस किया था तो भाई ये पैसा वसूल मैंने अभी तक इसमें यूज़ किया है। बट मल्टीटास्किंग इसमें फंक्शनैलिटी है, इसमें एंड्रॉयड है पर मल्टीटास्किंग इसमें आप नहीं कर सकते। 4K HDR 60fps वाला वीडियो आसानी से मक्खन तरीके से प्ले होगा अगर आपके टीवी में HDR सपोर्ट होगा तो। अगर आपके टीवी में HDR सपोर्ट होगा तो वो ऑलरेडी स्मार्ट टीवी होगा तो उस केस में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। कोई हाई एंड टास्क के लिए आप ये मत लेना, साधारण टास्क अगर आपको करना है टीवी लाइव टीवी वगैरह, गूगल मूवीज वगैरह, Amazon, Netflix और ढेर सारे वीडियो सर्विस अभी अवेलेबल है प्ले स्टोर में तो वो अगर आपको देखना है 4K 60fps स्मूथ HDR कंटेंट आपको देखना है तो ये इसमें से आप देख सकते हैं। 5.1 चैनल भी इसमें सपोर्ट होता है बट थोड़ा सा जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा इससे। अगर थोड़ी सी प्राइस इसके डाउन हो जाए तो भाई ये डिवाइस में कोई मेरे ख्याल से कमी नहीं है एक्सेप्ट 2GB रैम। तो चलिए, अगर कोई भी इसके बारे में सवाल हो आपके पास तो भाई इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे नीचे कमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज करिए, कमेंट करिए, लाइक और शेयर करिए जिस किसी को भी ये डिवाइस लेना है और आगे भी नया वाला वर्जन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय वंदे मातरम।